साल 1972 में ऐसा टाइम आया था जब जमींदारा की तो जमीन कुछ गई होंगी, अपने दादा ने दादी ते तलाक दे दिया होंदा, तलाक तलाक तलाक, और लोगा ने डर में अपनी जमीन खुद ते अपने नौकरा के नाम अपनी मर्जी ते करवा दी। आप पूछोगे ऐसा क्यों हो गया था, तो दोस्तों एक काला कानून आया था, और आया था कि इबी भी है, बस आपने पता को नहीं, रॉबर्ट वाड्रा था पूछ के देखो क्यों करो, हरियाणा के इस कानून में उलझ गया था। तो आओ देखे क्यों आया था उस टाइम पे, किसा कानून आया था, रॉबर्ट वाड्रा के लग के बनी। साल 1940 में ऑल इंडिया किसान सभा ने डिमांड करी कि एक आदमी द्वारा कितनी जमीन हो इसकी कुछ ना कुछ लिमिट जरूर होनी चाहिए, नहीं तो ये साहूकार और बड़े बड़े जमींदार कुछ ही साल में सारी जमीन खरीद कर घेर देंगे, बाकिया ने अपने नौकर ला लेंगे। आगे जब देश आजाद होया तो साल 1949 में कांग्रेस की एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी जिसके अध्यक्ष जेसी कामरप्पा थे, उसने भी कहा कि सब द्वारा कम से कम इतनी जमीन तो होनी चाहिए कि किसान और उसका परिवार ठीक ठाक स्टैंडर्ड तय जी सके, किसान का परिवार उस खेत में काम लागे रहे और बस इतने पीसे बचा ले कि दो बैल खरीद सके। साल 1949 की बात है तो झोटा बुग्गीर बैला की बात उस टाइम पर करा कर दे। तो भाई साल 1953 में केंद्र की सरकार ने बड़े सख्त निर्देश दिए कि राज्य सरकार अपने अपने राज्य में फटाफट इसे कानून बनाओ कि एक आदमी द्वारा घनी तक घनी कितनी जमीन ओ। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, तो पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को खुश करने ते फटाफट 2 साल के भीतर 2 कानून लेकर आई, द पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट 1953, द पेप्सू टेनेसी एंड एग्रीकल्चर लैंड्स एक्ट 1955। पर ये दोनों बड़े लचर पचर से कानून थे, इनका कोई घना असर पड़ा नहीं, लेकिन 22 दिसंबर 1972 जब तक हरियाणा बन लिया था, हरियाणा सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई कि अपने दादा परदादा के पसने पैट के बेचारे दिन रात बाजे बाजे अंडे अपनी जमीन ने बचाने तई। हम पूछोगे भाई ईसा क्यों हो गया था, तो ई बागे चाले की बात ध्यान से सुनो, हरियाणा सरकार ने हरियाणा सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 यो कानून पास कर दिया। के था इस कानून में कि एक आदमी एक परिवार घनी तक घनी कितनी जमीन रख सके उस पर हो सके, चाहे वह किसी भी डाल की जमीन हो, चाहे दादा लाई हो, चाहे खरीद सके, एक लिमिट एक कैप हैगी कि इसके ऊपर कोई भी परिवार जमीन नहीं रख सकता, यानी धरती रखने की लिमिट सेट हो गई थी। कितनी लिमिट सेट हो गई थी दोस्तों, जो धरती 1 साल में 2 फसल पैदा कर सके, जो कर एक बार 6 महीने में गेहूं हो गए, 6 महीने में धान हो गए, तो इसी धरती एक परिवार एक आदमी 18 एकड़ तक रख सका था लगभग, और जो धरती इसी है कि साल में वह एक फसल दे हुआ है तो लगभग 26 किले एक परिवार रख सका था, और बाकी जो बाग बगीचे थोड़ी बंजर टाइप की कलर टाइप की जमीन है उसमें थोड़ी लिमिट ज्यादा थी, लगभग 56 एकड़ तक एक आदमी रख सका था। परिवार किना मान्य सरकार है, एक लोग लुगाई और उनके 3-18 साल तक नीचे के बालक, यो सरकार के अनुसार एक परिवार था। ई बाप के मन में सवाल आओगा कि जो भी आज धरती जमींदारा पर चली जांदी फालतू जमीन है उसका क्या कर दे, तो दोस्तों यो जो अगला कानून में प्रावधान था यो हमारे सारे गांव ने भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना देंदा, किसी भी टाइम गांव में दंगे भड़क जंदे, जो है फालतू जमीन थी सरकार ने इसको कहा सरप्लस जमीन कि जावे या उन दौरे जावे जिन दौरे गांव के लोगा दौरे जिन दौरे जमीन नहीं थी, यानी SC BC के लोगा दौरे या जमीन जावे। दोस्तों लग दे इस कानून का पता जो बड़े बड़े जमींदार थे वह भाज लिए पटवारिया कहना कि क्यों कर उनकी जमीन दूसरे लोगा दौरे जानता है बच सका है, मेरी दादी मेरे तो खुद बता कर दी कि तुमने नहीं बेरा तेरे परदादा ने क्यों करया थारी जमीन बचाई थी। पर दोस्तों कमी तो हर चीज में हुआ है, इस कानून में भी कमी निकली और लोगों ने जो अपनी जमीन ज्यादा थी सरप्लस जमीन थी जो उन दौर है वो अपने नौकरा का साजिया का अपने मजदूरा का या फिर घनखरा ने अपने रिश्तेदारा का भी नाम करा दी थी, इस तक कब्जा तो उन्हें का था जमीन पर कागजा में मालिक कोई और था, लेकिन बाद में इस बात में जाकर जूते भी बैठ जाए 99% ने तो यह जमीन अपनी उल्टी मिल गई थी, पर 1% इसे भी थे जिनसे मजदूर जिनके नाम या जमीन हुई थी रिश्तेदार जिनके नाम या जमीन करवाई गई थी वह उल्टे देने तक नेट के बाद में खोसड़े
बजे थे। अच्छा, उस टाइम के जो बड़े बड़े साहूकार जमींदार थे उन्हें एक तरीका और कैट लिया था, उन्हें अपनी घरालिया था नकली मकली का झूठ माठ का तलाक देना शुरू कर दिया। और इस कानून में प्रावधान था कि जो तलाकशुदा पत्नी है उसको भी आधी जमीन मिलेगी, वह भी आधी जमीन की हकदार है। तो कच्चा भाई तलाक दिखा के उसके नाम अपनी आधी जमीन करवा के लिमिट तक नीचे अपनी जमीन न ले आए थे। अब आपके मन में एक सवाल और आ गया होगा कि जब आदमी कोई अपनी लिमिट तक घनी जमीन खरीद ले तो क्या हुआ है? दोस्तों, बेशक वह जमीन तुमने पीछे देकर खरीदी होंगी, सरकार उसने अटके एक्वायर करने की पावर भी रखी थी, थारे ऊपर जुर्माना भी ठोका है और जेल में भी गिरा है। और एक्वायर करने का प्रोसेस कोई लंबा नहीं था, बस एक नोटिस आवे है और 10 दिन पाछे सरकार उस जमीन ने ले लंदी। उस टाइम के बड़े बुड्ढे इस कानून के बारे में नूके आकर दे कि यो कानून तो गामा का भाईचारा बिगाड़नती आया है, क्योंकि जिस आदमी की जमीन जिस दौर जाओगी पहली तो बात वो इतनी आसानी से जान नहीं देवे, और दूसरी बात जब चली भी गई जिसकी जमीन गई है जिस दौर गई है उनके तो आपस के पीडिया के बाहर बन जाएंगे, सारा गांव भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बन जाता, जड़ा किसी भी टाइम लठ बाज सका था। इब थारे मन में एक सवाल और आ गया होगा कि जब ये जमीन बांटने वाला कानून आया था तो फिर SCBC ने जमीन मिली क्यों नहीं? दोस्तों, सरकार ने जब देखा कि भाई इसका भारी विरोध होने लग रहा है और लोग जो कमियां टोटो का अपनी जमीन बचाने लग रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं, बस हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, तो सरकार ने इस कानून पर कदे ढंग तक काम कराया कोनी और यू कानून बहुत कम सफल हो पाया। गनखरे ने पता कोनी आज भी अपने हरियाणा में यू कानून है कि एक आदमी अपने नाम 18 किल्ला तक लेकर मैक्सिमम 56 किल्ला तक ही अपने नाम जमीन रख सका है, और इसे कानून के भीतर रॉबर्ट वाड्रा फंसा था। रूल यो है कि इस डाल की धरती जो साल में सिर्फ एक के फसल देवे, इसी धरती एक परिवार एक आदमी अपने नाम 26 किल्ला तक ज्यादा नहीं कर सकता, पर रॉबर्ट वाड्रा ने फरीदाबाद के अमीरपुर गांव में 40 किले खरीद लिए। यो सरासर उल्लंघन था हरियाणा सेलिंग एक्ट 1972 का, उसमें यो फंस गया था। पर तुम यूं ना सोच लिए 1972 आला कानून चला गया, भारतीय किसान यूनियन उग्राह ग्रुप ने अटके डिमांड उठाई थी कि जो 1972 आला कानून था वो अटके लागू करा जावे। यो कानून अटके लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तुम कमेंट में जरूर बताइयो। आपने ये वीडियो किसी लगी के क्यूकर अपने दादा परदादा ने जो भी जमीन जीत और जितनी भी थी वह बचाई थी, कमेंट करके जरूर बताइयो। थारा सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने।